नाम बदलने का तो कोई प्रावधान नहीं है, और जो 7 विद्यालय हैं इनमें गलत ढंग से इस्लामिया शब्द जोड़कर उसको शुक्रवार को बंद कराया जा रहा था और रविवार को वहाँ पर पढ़ाई होती थी, जो कि शासनादेशों का उल्लंघन है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन विद्यालयों को, जैसे दूसरे परिषदीय विद्यालय हैं, उसी के अनुसार छुट्टी का दिन और कार्य दिवस निर्धारित किया गया। शासन का कोई निर्देश वगैरह इस तरह का है क्या कि वहाँ से इस तरह के इस्लामिक नाम हटाए जाएं या कुछ, जैसे हर जिलों में चल रहा है? नहीं, शासन का निर्देश नहीं है इसमें। ये तो कोई भी नाम अगर परिवर्तित किया जाता है तो ये इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करके ही किया जाना चाहिए, और मनमाने ढंग से किसी भी तरह से नाम में छेड़छाड़ उचित नहीं है। तो अभी क्या निर्देश है आपके द्वारा? परिषदीय विद्यालयों के लिए एक ही नियम है और वही नियम सारे विद्यालयों पर लागू किया जाएगा।